आज तक 70 साल, मेरी 74 साल की उम्र है, आज तक इतने काम मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री में नहीं देखा है, नेहरू से लेकर के और यहाँ तक देखा मैंने। मैं कहता हूँ अगर जो अडानी को फायदा हो रहा है तो देश को ही फायदा हो रहा है। अगर जो बड़ी कंपनियों को फायदा नहीं होगा तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? इसमें कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, जो देश के लिए करेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। मणिपुर की बात ले रहे हो तो बंगाल की क्यों नहीं लेते? मुझे तो समझ नहीं, मणिपुर का दिल्ली में रोना रो रहे हो, बंगाल का रोना क्यों नहीं रोते, कश्मीर का रोना क्यों नहीं रोते? जिसने देश को लूटा है वो क्या कहेंगे? आप ये सारे इकट्ठे हो गए, क्यों इकट्ठे हुए? इसलिए कि अब इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। राहुल गांधी पहला नंबर तो कोई इसको पॉलिटिशियन नहीं मानता। हिंदुस्तान तो आजाद है और तभी होगा, तभी ये योगी और मोदी सफाई करेंगे, तुम जैसे लोग इसको आजाद नहीं होने देंगे। केरल में देश विरोधी नारे लगते हैं, हिंदू तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान के झंडे लड़ते हैं, केरल भारत का हिस्सा नहीं है, किसके गवर्नमेंट है? कांग्रेस की। मोदी का भारत है, मोदी से ही भारत है। कोई पाकिस्तानी या कोई मोमडन आके यहाँ पे पाकिस्तान झंडा फहरा दे, अकेला खड़ा हूँ, ताल ठोक रहा हूँ, यहाँ पे आके बोलो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यूपी से हूँ, यूपी में योगी मोदी सब समझ रहे हो, यही चलेगा और यही होगा। क्या नाम हुआ आप? आर के उपाध्याय। कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल के। तो 2024 लोकसभा चुनाव करीब है। हाँ बिल्कुल करीब। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे और बनना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी से देश सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? हर तरफ से सुरक्षित है। क्या किया है उन्होंने? बहुत कुछ किया, 1 से लेकर 10 काम किए उन्होंने। जो काम इतने किए हैं वो आज तक 70 साल, मेरी 74 साल की उम्र है, आज तक इतने काम मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री में नहीं देखा है, नेहरू से लेकर के और यहाँ तक देखा मैंने। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, आप देखिए नोटबंदी के बाद कितना अच्छा काम चला, GST के बाद कितना अच्छा चला, आज देश को कितनी खुशहाली है, ये सब काम जो है ना। लेकिन नोटबंदी के टाइम में तो विपक्ष का कहना है कि गरीब लोग लाइन में लगे रहे। गलत कह रहे हैं, गलत प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये सब गलत प्रोपोगंडा करते हैं। लेकिन आप इतने सारे काम गिना रहे हो लेकिन विपक्ष तो कहती है कोई भी काम नहीं किया है भाजपा की सरकार। ये आपका ही कहना है या आपकी तरफ से है, अदरवाइज जिस सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं वो गिना नहीं सकते। देश बेच दिया विपक्ष कहती है, देश बेच दिया है? किसने? विपक्ष कहती है भाजपा सरकार पे आरोप लगाती है क्योंकि उन्होंने 70 साल तक इस देश को लूटा है, समझे ना, 60 साल तक इस देश को लूटा है। और जिसने देश को लूटा है वो क्या कहेंगे? आप ये सारे इकट्ठे हो गए, क्यों इकट्ठे हुए? इसलिए कि अब इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। 70 साल से देश कांग्रेस ने लूटा है लेकिन अब तो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। वो नहीं है, वो कोई बात नहीं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं, ऐसी वो बिल्कुल ठीक है। भाजपा क्या राहुल गांधी से डर गई? नहीं, भाजपा डरी नहीं है, भाजपा डरी नहीं है। और मोदी जी ही 2024 में आ रहे हैं, वही देश को डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाएंगे। देश में महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर इतना ज्यादा महंगा हो गया है। महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है, जो 5,000 रुपये सैलरी था आज 50,000 रुपये कमा रहे हैं। लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, लोगों के पास, मैं 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, उस समय मैं 10,000 रुपये कमाता था, 3 गुना। अगर जो तो हर कोई ब्रिटानिया नहीं जाता है, खेतों में लोग काम करते हैं, खेतों में काम करने वाला 10,000 भी महीना नहीं कमा पाता। आप 50,000 की बात कर रहे हैं? आप महंगाई की बात कर रहे हैं, एक मिनट, आप अगर जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ अगर जो किसानों की इनकम नहीं बढ़ेगी तो मैं गेहूं जो है जब उनका आता है तो 17 रुपये किलो मिलता है। मैं खुद किसान हूँ, मैं किलो गेहूँ बिकता है और जो मार्केट में जाता है 30-40 रुपये किलो बिकता है। मार्केट में जाती है तो इस समय 19-22 रुपये किलो गेहूँ बिकता है। आज किसान लागत कितनी होती है मुझे ये बताइए, टमाटर भी इतना ज्यादा अभी महंगा है, ये तो कोई टमाटर महंगा है तो फिर किसानों को प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है? कोई आइटम की वजह है, ठीक है, बारिश की वजह से टमाटर, ये सिर्फ जो है अमीरों की सरकार है, गरीबों के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया? गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अमीरों के लिए, अडानी के लिए किया, अंबानी के लिए किया। मैं कहता हूँ अगर जो अडानी को फायदा हो रहा है तो देश को ही फायदा हो रहा है। अगर जो बड़ी कंपनियों को फायदा नहीं होगा तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार तो वही वो करेंगे ना,
बताओ क्या मिला रोजगार, क्या मिला सिस्टम सर रोजगार की बताओ तो क्या मिला रोजगार किसको? अगर ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के टाइम में सबको इस काम पर गफ्फार मार्केट, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, देश की बात होनी चाहिए। कांग्रेस इसमें कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, जो देश के लिए करेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। किसी पार्टी पे ना जाइए, लोग पार्टियों पे जाते हैं। मोदी नरेंद्र मोदी भी तो भाजपा से ही बिलोंग करते हैं ना? नहीं तो भाजपा तो एक पार्टी पे ही, पार्टी के चिन्ह पे ही चुनाव लड़ते हैं। चिन्ह पे नहीं, अभी युवा वर्ग ये चाहता है कि ऐसा नेता है जो देश के लिए काम करे। ये देश के लिए नहीं कर रहे हैं, इनको विदेश घूमना है, इनको जो है लड़ाना है, पब्लिक को लड़ाना है, गुमराह करना है। भाजपा का कहना है कि जल्द ही भारत 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, कुछ नहीं होगा, दिखाते हैं रियल में पब्लिक भूखों मर रही है। लेकिन विदेश जो घूम रहे हैं मोदी, मोदी जी जो विदेश घूम रहे हैं, उसी से तो विदेश नीति बनेगी ना आजकल। घूमने से नहीं बनेगी, मणिपुर का काम देख रहे हैं, मणिपुर में लड़कियों को नंगी घुमाया लग जा रहा है, वो विदेश घूम रहे हैं। अपने देश का प्रधानमंत्री ऐसे होना चाहिए? कुछ बोला भी उन्होंने, कुछ बोला भी काम, क्यों नहीं बोला? आप एक खुद महिला हो, उसको फील कर सकती हो। मणिपुर नहीं गए, मणिपुर विदेश घूमते हैं, लेकिन बोल रहे मणिपुर की स्थिति आज ऐसी नहीं है, पहले से भी ऐसे थी। कश्मीर पे किसी ने उठाया, आज है ना मोदी सरकार केंद्र में, आज क्यों नहीं जाते मणिपुर? सवाल किसी ने नहीं उठाया। अभी मेवात में ऐसा हुआ, किसी ने कोई सवाल? मेवात में तो हरियाणा भाजपा की ही सरकार है, भाजपा की ही सरकार है, गलत है, ठीक है। अगर जो बीजेपी की सरकार वहाँ उसकी, वो भी गलत है, लेकिन अगर जो वहाँ पे गलत हो रहा है तो बंगाल में जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, जो मणिपुर में हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। बल्कि सरकार किसी की भी हो, ऐसा किसी भी नहीं होना चाहिए। कौन बनेगा 24? 1994 में अपना उन्होंने सभी महिलाओं ने अपने वस्त्र कर, महिला अभी 18-20 साल की थी, उसकी बात छोड़िए, उस महिला को क्यों ऐसा खुद उतारे थे कपड़े, उसको तब क्यों नहीं बोला आपने? मणिपुर क्यों नहीं जा रहे नरेंद्र मोदी? मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? मणिपुर क्यों नहीं जा रहे नरेंद्र? मणिपुर तो वो जाएंगे, जब जाएंगे टाइम आएगा तो मणिपुर भी जाएगा। टाइम बड़े भैया आपको यहाँ वाली अपना क्या कहते हैं यूपी वाली घटना नहीं दिखती सबको? मणिपुर यूपी में ही भाजपा की सरकार है, यूपी में भी भाजपा की, हरियाणा में भी भाजपा की, बिल्कुल बिल्कुल भाजपा की सरकार है। तो ये देखो ना कि प्रोपगंडा क्या चलाया जा रहा है, सिर्फ मोदी हटाओ बस, कौन चला रहा है प्रोपगंडा, कौन चला रहा है उसको हटाया जाए। मोदी की बात मोदी की नहीं है, जो देखो सवाल करने का अधिकार होना चाहिए। हाँ सवाल करने का अधिकार, ये सवाल नहीं करने देते, मुंह पकड़ते हैं, ये गलत है। हम आम जनता को सवाल करने का अधिकार होना चाहिए कि ये कैसे काम हो रहा है। खुले में बोल रहे हैं तो और कितनी आजादी चाहिए आपको? और कितनी आजादी चाहिए बोलने के लिए? दिखाओ बंगाल में, आप जरा सा भी बोल के दिखाओ, आप बोलो ना कहाँ आजाद हैं आप? बंगाल में बोल के दिखाओ इतनी बात जितनी यहाँ पे बोल ली आपने, एक सिंगल बात बोल के दिखा दो आप। फिर दिल्ली में बोल रहे हो तो और क्या आजादी चाहिए आपको? मणिपुर की बात ले रहे हो तो बंगाल की क्यों नहीं लेते? मुझे तो समझ नहीं, मणिपुर का दिल्ली में रोना रो रहे हो, बंगाल का रोना क्यों नहीं रोते? कश्मीर का रोना क्यों नहीं रोते? कौन मना कर रहा है? आप सब कोई सवाल उठाइए, जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ सवाल। पाकिस्तान का झंडा लहराया गया केरल में, हाँ जी, कोई करता है तो गलत, कोई करता है फांसी उसाइए, फांसी दिलाई। अगर मणिपुर की जो घटना हुई सबको फांसी होनी चाहिए। जब भी चुनाव आता है कुछ ऐसा मुद्दा दिखाते हैं कि पब्लिक को गुमराह करते हैं, जो आपस में लड़ा देते हैं। राहुल गांधी पहला नंबर तो कोई उसको पॉलिटिशियन नहीं मानता, ठीक है। दूसरी हम नहीं मानते भाई, इटली का उसमें नहीं मानेगा। हाँ आपके माने न माने से क्या फर्क पड़ता है भाई? हाँ तो उससे क्या होता है भाई? इस बात से सुनो, मैं यूपी से हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यूपी से हूँ, यूपी में योगी मोदी समझ रहे ना, यही चलेगा और यही होगा। देश की सफाई इतनी आसानी से नहीं होगी, ऐसा है। सुनो पहले मेरी बात, एक नजर से मत देखो, हिंदुस्तान तो आजाद है और तभी होगा, तब ये योगी और मोदी सफाई करेंगे। तुम जैसे लोग इसको आजाद नहीं होने देंगे। एक दो लोग को फर्क नहीं पड़ता। देखो अभी सरकार किसकी है? हमारी सरकार है ना। अभी सरकार पे खड़ा हूँ, हाथ लगा दो, पागल झंडा फहरा दे। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ, मैं सुनो, मैं लड़ नहीं रहा हूँ। कोई पाकिस्तानी या कोई मोमडन आके यहाँ पे पाकिस्तान झंडा फहरा दे, अकेला खड़ा हूँ, ताल ठोक रहा हूँ यहाँ पे आके। बोलो देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं हो रही, पाकिस्तान से क्या लेना है अपनों को? कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान के झंडे क्यों लड़ते हैं? केरल में क्यों लगते हैं? केरल के भारत का हिस्सा नहीं, उसको फांसी तो लो ना। सरकार केरल में किसकी है? सरकार किसकी है केरल में? कांग्रेस की सरकार है ना, राहुल गांधी की सरकार है ना, सरकार राहुल गांधी की है कम्युनिस्टों के साथ। इन
मैं करूँ स्टेट में सरकार किसकी है, तो स्टेट नहीं कार्रवाई कर सकता, मोदी कार्रवाई करेगा उसके लिए, क्यों करेगा मोदी कार्रवाई? आपका कोई फर्ज नहीं बनता, कमाल की बात है। स्टेट के अंदर केरल में, मैडम एक बात बताइए, केरल में देश विरोधी नारे लगते हैं, हिंदू तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान के झंडे लड़ते हैं, केरल भारत का हिस्सा नहीं है, किसकी गवर्नमेंट है? कांग्रेस की, किसकी कांग्रेस की गवर्नमेंट है ना। दूसरा पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी ने इतने कठिनाइयां आती हैं, सच्चाई के रास्ते पे कठिनाइयां आती हैं और आती रहेंगी। बताइए भाई, कह रहे हैं केरल में कांग्रेस की सरकार है लेकिन कुछ नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या नहीं कर रही? विवादित बयान वहां दिया जा रहा है, विवादित नारे लगाए जा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कहती है। जो मैन जो होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, हमेशा कार्रवाई हुई है। कार्रवाई राहुल गांधी वायनाड से, मोदी ने 370 हटाई, ये मोदी ने 370 हटाई, ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए जी, क्यों हटाई, क्यों विरोध किया आप लोगों ने, कांग्रेसियों ने? मैडम एक बात बताइए, नहीं देखिए हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम देश की बात करते हैं, हम देश की बात करें, नहीं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे। देखिए क्या किया देश के लिए, क्या खतरनाक था कि नहीं? 370 देश के लिए खतरनाक था कि नहीं, ये बताइए। जितनी भी सरकार है, जितनी ज्यादा सरकार होंगी, जितना गठबंधन होगा, बड़े बूढ़ों को कहना है 7-5 का बिगड़े और एक जने का सुधरे, एक जना हमेशा पार जाएगा। बीजेपी में 30 से ज्यादा पार्टी की गठबंधन है, पता होनी चाहिए, जो बोल रहे हैं कि एक अकेला है, बीजेपी में 30 से ज्यादा पार्टी की गठबंधन है, तो फिर क्या हुआ? नहीं नहीं 30 फिर क्या हुआ? मैडम एक बात बताइए, ये जितने भी है सारे चोर चोर इकट्ठे हो गए हैं मैम, ठीक है, सब एलिगेशन है। हाँ आम पब्लिक को गुस्सा नहीं होना चाहिए, हाँ गुस्सा नहीं है, तुम कह रहे हो ना, नहीं नहीं बोला केरल भारत का हिस्सा नहीं है, कौन बोला? तुम ही कह रहे हो कि हम बता रहे हैं। अरे भाई आपने माना, शुक्र मनाओ को अभी हिंदू गुस्सा नहीं हुआ है, जिस दिन गुस्सा होगा ना उस दिन मुसलमान की बात ही नहीं भाई, देश की बात हो। विपक्षी गठबंधन ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा है, तो इंडिया नाम रखने से इंडिया का सपोर्ट मिल जाएगा? इंडियन बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मोदी का भारत है और भारत ही रहेगा। देखिए हम भारतीयों का भारत है, हम सबका भारत है, मोदी का हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी का भारत है, मोदी से ही भारत है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको फर्क नहीं पता चल रहा? एक बात बताओ, मोदी की टक्कर का कोई नहीं, भारत के हक में, मतलब इस चीज के टक्कर में मोदी तो पूरा देश बेच, डेवलपिंग इंडिया, डेवलपिंग इंडिया, सड़क सड़क। विपक्ष कहता है कि विकास नहीं हुआ है, क्या विकास? देखो उनके तो वो टिप्स पे हैं, पक्ष होना चाहिए कि नहीं, पक्ष पे पक्ष होना चाहिए कि नहीं, मोनोपोली किसी की नहीं होनी चाहिए, मोनोपोली ना हो ताकि अच्छा काम हो, देश विकास करे, देश की बात हो, देश हित की बात हो। हाँ विपक्ष संसद नहीं चलना चाहिए, इसलिए विपक्ष होना चाहिए।